और एक बड़ी खबर हम आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। विधायक लोबिन हेमरम के जेल के में जाने की खबर मिल रही है। विधायक लोबिन हेमरम ने इसे अफवाह बताया है, लेकिन लोबिन हेमरम ने इसे विरोधियों की साजिश भी बताई है। T45 से बातचीत में लोबिन हेमरम ने कहा है कि मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लोबिन हेमरम क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए हैं, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक लोबिन हेमरम जेल के में जाने की उनकी खबर सामने आ रही है, और ऐसे में इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व विधायक लोबिन हेमरम हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। देखिए लोबिन जी, सबसे पहले तो आपका T45 में बहुत बहुत स्वागत है, और आपके बारे में ये कहा जा रहा है क्योंकि आप बीजेपी में अब बीजेपी नेता बन चुके हैं, लेकिन ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि आप जेल के में जाने वाले हैं, क्या कहेंगे? ये कौन ऐसा कर दिया हमको समझ से परे है, ये बिल्कुल एकदम बेबुनियाद बात है। जब ऑलरेडी हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं, बीजेपी का काम कर रहे हैं जी। तो फिर संगठन का काम हम कर रहे हैं, तो कौन ऐसा ये भ्रामक स्थिति पैदा कर रहा है? ऐसा ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मतलब लोबिन जी, ये जो आपके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, इसे आप इसका खंडन कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल 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 खंडन कर रहे हैं, और प्रदेश अध्यक्ष को भी हम बोले हैं कि देखिये इस तरह का हो रहा है, इन लोगों को पता नहीं कौन सा ऐसा दुश्मन ये कर रहा है लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है, मैं बीजेपी में ज्वाइन किया हूँ, बीजेपी का काम कर रहा हूँ, मैं संगठन का काम में लगे हुआ हूँ। जी लोबिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको कि एक तरफ लोबिन हेमरम बीजेपी के नेता बन चुके हैं, दूसरी तरफ उनके जेल के में जाने की खबर निकलकर सामने आई है, लेकिन इसका सीधे तौर पर लोबिन हेमरम ने खंडन किया है।